लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायली हमले में हिजबुल्ला का एक टॉप कमांडर इब्राहिम अकील मारा गया है। इजरायली सेना का कहना है कि इब्राहिम अकील के साथ हिजबुल्ला के लगभग 10 सीनियर कमांडर मारे गए हैं और हमले के वक्त हिजबुल्ला के ऑपरेशंस कमांडर इब्राहिम अकील गुट के रादवान यूनिट के सदस्यों के साथ एक बैठक कर रहा था। अमेरिका ने अकील की जानकारी देने पर $70 लाख करीब 53 करोड़ रुपये का इनाम रखा हुआ था। अमेरिका का कहना था कि अकील 1983 में बेरूत स्थित अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले का मुख्य साजिश करता है और इस हमले में 63 लोगों की मौत हुई थी। उसी साल अमेरिकी मरीन बैरक पर हुए हमले में भी अकील शामिल था, जिसमें 241 अमेरिकी कर्मियों की जान गई थी। स्काई न्यूज़ के मुताबिक अगर इब्राहिम अकील की मौत की पुष्टि होती है तो ये दिखाता है कि हिजबुल्ला अपने सदस्यों और सीनियर कमांडरों की सुरक्षा करने में पूरी तरह से विफल रहा है। वहीं इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा कि बेरूत में हवाई हमलों में अकील मारा गया। इजरायली प्रवक्ता ने कहा कि अकील हिजबुल्ला के विशेष बलों के प्रमुख के तौर पर काम कर चुका है। हालांकि हिजबुल्ला की ओर से इस मामले में अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। इजरायल ने शुक्रवार को 20 सितंबर को लेबनान की राजधानी बेरूत में टारगेट करते हुए कई हमले किए थे और इस हमले में मरने वाले की संख्या जो है कम से कम 8 बताई जा रही है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा जानकारी के मुताबिक घायलों की संख्या 59 है। हिजबुल्ला ने भी इसराइल पर करीब 100 से ज़्यादा रॉकेट्स दागे हैं। हिजबुल्ला ने कहा कि उसने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर उत्तरी इसराइल में रॉकेट दागे। हिजबुल्ला ने यह भी दावा किया कि उसने यौ बैरक में आर्टिलरी और मिसाइल बटालियन और किला में मौजूद एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के मुख्यालय को निशाना बनाया है। लेबनान में बीते दिनों पेजर्स और वॉकी टॉकी में हुए ब्लास्ट के बाद पनपे विवाद को लेकर मध्य पूर्व में दुनिया भर की नज़रें टिकी हुई हैं। पेजर्स और वॉकी टॉकी ब्लास्ट में कम से कम 14 लोग मारे जा चुके हैं और लेबनान में सक्रिय हिजबुल्ला ने इस ब्लास्ट के लिए इसराइल को ही दोषी ठहराया है और बदला लेने की कसम खाई है। हालांकि इसराइल ने आधिकारिक तौर पर इस मामले में कोई बयान जारी नहीं किया। अमेरिकी समाचार एजेंसी रॉयटर्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक वॉकी टॉकी की बैटरियों पर अत्यधिक विस्फोटक PETN लगा हुआ था। एक लेबनानी सूत्र ने समाचार को बताया कि विस्फोटक पदार्थ को बैटरी पैक में जिस तरह से रखा गया था उससे इसका पता लगाना बेहद मुश्किल हो गया था। PETN या जिसे पेंटा एरिथ्रियोटल ट्रेट्रा नाइट्रेट एक अत्यधिक शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ है। ये झटके और गर्मी के प्रति संवेदनशील है, जिससे जानबूझकर ट्रिगर किए जाने पर विस्फोट होने का खतरा होता है। तो पेजर्स अटैक के बाद ही जो स्थिति है वो हिजबुल्ला और इसराइल के बीच गरमाई हुई है। दोनों बिल्कुल युद्ध की स्थिति में हैं, वॉर फ्रंट के तौर पर तब्दील हो चुके हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।